सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है देख सकते हो, यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। स्टोरी पर आने के बाद यहाँ पे व्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो व्यूज़ है मेरा, आई जो बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल व्यूज़ दिखा रहा है कि मेरे स्टोरी पर 65 व्यूज़ गए हैं। एंड यहाँ पर लाइक वगैरह जो भी किया सब कुछ आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो साइड में इनसाइट्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है स्टोरी इनसाइट्स अनअवेलेबल, इनसाइट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर स्टोरी शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम बिफोर यू स्विच टू ए प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो हमारा इंसाइट है वो नहीं दिखा रहा है, तो इसको कैसे देखना है आज के वीडियो में यही आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो आपको क्या क्या करना है, बस आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। आपका ये प्रॉब्लम 100% अभी लाइव प्रूफ आपको सॉल्व करके दूंगा। देख सकते हो यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इंस्टाग्राम सर्च करना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको इंस्टाग्राम अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, जस्ट अपने इंस्टाग्राम को यहाँ से अपडेट कर लोगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद इंस्टाग्राम पर क्लिक करके रखना है, देन आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टोरेज एंड केज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सबसे पहले क्लियर केज करेंगे। क्लियर केज करने के बाद अगर आपको अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता है तो ही आप लोग क्लियर स्टोरेज करोगे। अगर आपको पासवर्ड जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख कर इंस्टाग्राम का पासवर्ड जान सकते हो। उसके बाद आप लोग अपने इंस्टाग्राम का क्लियर स्टोरेज करके अपने इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाओगे। फिर अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको फिर अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इंस्टाग्राम में जाने के बाद वहाँ पर आपको फिर से स्टोरी में एक बार चेक करना है कि आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर इतना कुछ करने के बावजूद आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम इंसाइट पे आना है जहाँ आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद प्रोफाइल में आ जाना है, थ्री लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देन इस तरीके से नीचे आएंगे, नीचे हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में, क्लिक कर लेंगे। सेक फोन टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑफ करके रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस स्क्रीनशॉट को हटाएंगे। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमने जो स्क्रीनशॉट लिया उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में लिखना है। मैंने लिख रखा है, डियर इंस्टाग्राम टीम, स्टोरी इंसाइट नॉट शोइंग प्रॉब्लम, सो प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, थैंक्स। ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना, बस आपको इतना लिखना है। लिखने के बाद सेंड वाले ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इतना करोगे आपका जो रिपोर्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा। अभी से 24 से 48 घंटे के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद आपको क्या करना है कि एक बार और अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, जाना है प्ले स्टोर में। उसके बाद इंस्टाग्राम सर्च करके चेक करना है कि मेरा इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है या नहीं। अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट मांगे तो उसको वहाँ से अपडेट कर लेना है। जैसे आप लोग इतना करोगे 48 घंटे बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो नॉलेजबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।